देखिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, मतलब ये सभी चीजों में व्याप्त है। हम कल ही बताए थे कि कार्बन का जो है बहुत सारा कंपाउंड होता है, तो क्यों होता है? बार बार यही कहते हैं कि कोई भी चीज पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, तो उसके पीछे का वजह जानने का प्रयास करो। हिस्ट्री, सम्राट अशोक, अच्छे राजा थे, क्यों थे, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। तो उसी तरह की वर्सेटाइल नेचर जो है ये सभी चीजों में जो व्याप्त रहता है ये किसके कारण रहता है? तो सबसे पहली बात है कि कैटिनेशन जो है इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे हम कहें कि कोई लड़का पागल है, तो कैसे पागल है भाई? तो हम देखे वो चल रहा था रास्ता में और कुत्ता चल रहा था, उसको दांत काट दिया, पागल है। तो उसी तरह से कि वर्सेटाइल नेचर में कैटिनेशन उसका एक प्रॉपर्टी है, जिसमें होता क्या है कि कैटिनेशन, देखो ये तो हम लिख दिए, सीधी सी बात है, अगर और शॉर्ट जाना चाहते हो, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फ्रॉम इट सेल्फ इज नोन एज कैटिनेशन। लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दिए कि द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटिनेशन। लंबा चेन, कार्बन 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 कार्बन, ये जो सेल्फ लिंकिंग है, हम पहले ही कल बताए थे कि सेल्फ लिंकिंग कौन करेगा, जनरली होता क्या है कि जैसे नाइट्रोजन है सेल्फ लिंकिंग कर रहा, तो सेल्फ लिंकिंग के कारण इसको, इसका जो नेचर है ये क्या है कि बहुत बड़ा कंपाउंड ये बनाता है। आज तुम साबुन यूज करते हो, उसमें बहुत बड़ा लॉन्ग कार्बन चेन होता है, ऐसे करके CH3 लॉन्ग चेन CH3, बहुत लंबा चेन रहता है। सोपिनिफिकेशन अगर होगा, इस टॉपिक में कटा हुआ है, सोपिनिफिकेशन है टॉपिक में, अच्छा तब भी पढ़ा देंगे। सोपिनिफिकेशन पर होगे तो लगेगा कि बहुत पढ़े हैं, लगता है कार्बन कंपाउंड में कुछ पढ़े, ठीक। तो अब आता है कि सीधी सी बात है, कैटिनेशन है क्या? तो जब कार्बन खुद के एटम से, मतलब कार्बन से लंबा चेन बनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटिनेशन। दो ही प्रॉपर्टी आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे उठेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा डिफाइन कैटिनेशन, लिखेगा कि क्यों, हाँ वाई कार्बन सभी जगह पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो लिखोगे ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन को डिफाइन कर देना कि द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन फ्रॉम सेल्फ लिंकिंग टू इटसेल्फ एंड फॉर्म लॉन्ग चेन, हो गया कैटिनेशन। ये भी कोई दिक्कत नहीं, अपना तरीका है। अब आता है कि द कंपाउंड में है लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन, रिंग चेन, समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, नहीं रुक जा, ये पढ़ा देते हैं, लॉन्ग तुम्हारा ब्रांच और रिंग चेन हम तुमको भी बता देते हैं, ठीक। देखो अब आता है कि टेट्रावेलेंसी क्या है, तो कार्बन एटम हैज अ लार्ज वैलेंसी ऑफ फोर can form covalent bond with number of carbon atom and with a large number of carbon atom such as hydrogen, chlorine. देखो कार्बन का टेट्रावेलेंसी जो है ना, है क्या कि सबसे पहली बात टेट्रा समझ रहे हो, टेट्राक्लोराइड, पढ़े होगे मोनोडाइट्राय, पढ़ा है, तो इसी से निकलता है तुम्हारा टेट्रा, मतलब चार, टेट्रावेलेंसी मतलब उसका वैलेंसी कितना है, चार, वो चार है। हम पहले अभी पढ़ाए क्या, कैटिनेशन, समझो बात को, वो कार्बन के साथ तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन दूसरे जिसका वैलेंसी कितना हो, एक हो या दो हो, जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोरीन, और जिसका जनरली ऐसे तो वन ही वैलेंसी के साथ ये कंपाउंड बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से शेयर करता है। तो ये पहली बात क्या कि कार्बन है लार्ज वैलेंसी ऑफ फोर, सबसे ज्यादा वैलेंसी अगर एलिमेंट में है तो वो फोर ही, फोर से ज्यादा कोई वैलेंसी नहीं है। तो अब आता है कि फोर वैलेंसी है, अब आता है कि कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कल बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है कैसे, तो बताए थे कि सी 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 डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके बताए थे, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया ये टेट्रावेलेंसी, सॉरी टेट्रावेलेंसी के कारण विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम के साथ, जरूरी थोड़ी है पढ़ोगे मिथित डायप्रोब्यूट हेक्स, बहुत सारा तुम्हारे इफेक्ट नहीं, अभी पढ़ाएंगे, हमको लगता है तीसरा दिन लगेगा, दूसरा दिन इस टॉपिक में जाने। तो एटम एज वेल एज विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम से भी बनाता है, हाइड्रोजन से भी बनाता है, क्लोरीन से भी, और अलग अलग एटम से भी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। या सीधी सी बात है कि कार्बन में एक प्रॉपर्टी है जो कि है कि उसका चार वैलेंसी है, इसी वजह से वो, समझो चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये बोला कि हमें कार्बन के साथ बना लिए, एक बोल दिया हाइड्रोजन के साथ, एक बोल दिया किसी और के साथ, एक बोल दिया किसी और के साथ, तो ये चारों अलग अलग एटम के साथ भी बना सकता है, यही है टेट्रावेलेंसी।
कि चार है इसके पास तो चारों अलग आइटम ले लेगा, बोलेगा एक कार्बन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं और एक कोई वन वैलेंसी वाला चीज। वन वैलेंसी वाला क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही ना शेयर करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। समझ में आ गया। अब आता है कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये क्या मल्टीपल, तुम अभी तक पढ़ा होगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही है मल्टीपल बॉन्ड बनाना। कैसे बनता है मल्टीपल बॉन्ड? जब कार्बन कार्बन में एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हो तब तुम्हारा एक बॉन्ड बनेगा। अभी पढ़ाएंगे आगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीथेन इथेन इस टाइप का बताएंगे। तो सबसे पहली बात है कि मल्टीपल बॉन्ड ये बना सकता है, ठीक। अब देखो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हम कल ही बताए थे कि तुम बोलोगे कि सर सल्फर का भी तो होता है चार वैलेंसी, वो काहे ने सबके साथ बनाता है, तो इसके स्मॉल साइज के कारण, कार्बन का साइज कैसा रहता है स्मॉल साइज के कारण। हम कल बताए थे कि बच्चे को नीचे से बनाने का प्रयास करो तो ज्यादा चीज सीखेगा, लेकिन जो बड़ा हो गया उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा। तो ये जो स्मॉल साइज है इसके कारण क्या होता है कि कार्बन हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये सभी के साथ बॉन्ड बना सकता है। घर में कभी गौर करना, दो चाचा में झगड़ा हो गया और चाचा का बच्चा, ठीक, तो छोटा बच्चा जो सबसे जाकर बात करेगा, काहे उसको पता ही नहीं कि झगड़ा क्या होता है। झगड़ा होने के बाद भी बच्चा सबसे जाकर के बात करेगा, ठीक है। तो अब आता है क्या कि विथ इट मल्टीपल बॉन्ड बाय शेयरिंग मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल ही हम बताए थे कि एक पेयर से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन आपका शेयर हो जाता है उस वजह से मल्टीपल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो अब आता है कि मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इट्स ऑन एटम, खुद के एटम से, ठीक है। तो अब आता है कि लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सबके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है। फिर आता है कि, और पहले तो यहां से तुम्हारा ये मेन टॉपिक है दो, कि ये तुम्हारा कार्बन का प्रॉपर्टी है कि किसके कारण ये सभी जगह मिलता है, बहुत ये वर्सेटाइल नेचर है इसका, ठीक। तो अब आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुमको पहले बोले थे कि कार्बन कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 11th एंड 12th, बिकॉज ऑर्गेनिक का एक अलग से बुक ही आ जाएगा तुम्हारा 11th और 12th में, 6-7 चैप्टर वाला। इसलिए कार्बन कंपाउंड को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं समझोगे तो 11th 12th का मतलब समझ लो 30-40 नंबर एकदम गायब, खत्म केमिस्ट्री से। तो अब आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट सिक्स ऑक्साइड, समझो बात को, CO3 क्या है, कार्बोनेट, कार्बन का ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो कार्बन एक्सेप्ट सिक्स ऑक्साइड, कार्बोनेट सॉल्ट और नोन एज, और देखो है क्या कि जितना भी कार्बन का जो कंपाउंड है इसके ऑक्साइड्स और कार्बोनेट को छोड़ करके CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना ऑक्साइड इसका, yes. तो इसके ऑक्साइड्स को और इसके कार्बोनेट्स को छोड़ के जितने भी कार्बन के कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जनरली प्रयास रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो रहता है वो हमारे लिविंग थिंग से बना हुआ रहता है, जैसे तुम कह सकते हो लिविंग थिंग नहीं है ऑर्गेनिक, यही समझो कि ऑक्सीजन से तुम्हारा जो रहे और तुम्हारा कार्बोनेट को छोड़ करके जितना भी कार्बन का कंपाउंड है वो तुम्हारा क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझो इस बात को। ये दो सबसे बना, ऑर्गेन, ऑर्गेन क्या है, शरीर, और ऑर्गेनिक उसी से बना है। ऑर्गेनिक जनरली एनिमल से रिलेटेड, ऑर्गेनिक का उतना कम्प्लीटली डिफाइन नहीं दिया, 11th में जाओगे तो ऑर्गेनिक को अच्छा से समझाया कि ऑर्गेनिक है क्या। जैसे हम लोग घी खा रहे हैं, कहाँ से आया घी, दूध से, दूध कहाँ से आया, तो गाय से, गाय क्या है, लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग से मतलब वो ऑर्गेन, ऑर्गेन नहीं है उसमें, ऑर्गेन है, ऑर्गेनिक सिस्टम है वो। तो वही चीज जनरली लिविंग थिंग से जितना भी रिलेटेड रहता है, ऐसे तो लिविंग थिंग हम कह नहीं सकते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली यही कहलाता है, ठीक है। लेकिन 10th के हिसाब से तुम लोग यही लिखना कि द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट सिक्स ऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट सॉल्ट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस 10th के हिसाब से। 11th में जाओगे तब थोड़ा डीप जाओगे। अब आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कुछ ही नहीं है, कार्बन है ना जी, चार वैलेंसी है ना, जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन हो गया, आया समझ में। इसमें दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एग्जांपल में CH4, C2H6, C2H4, ठीक है। अब हम बताए थे कि तुमको समझाएंगे क्या चीज, तो ये चीज, लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग चेन, सब नोट कर लिया है।
नोमेनक्लेचर तो पढ़ा ही होगा थोड़ा मोड़ा। नहीं,